हेलो लवली फूडीज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी जिसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। इस स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। अब सबसे पहले करना ये है कि इन सारे आलुओं को अच्छे से एक बार मैश कर लेना है ताकि इसमें छोटे बड़े कोई पीसीस ना रहे। अब ये सारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं तो इसमें थोड़ी सी मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें एक चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा आप अदरक लहसुन को ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसमें चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया है। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है ताकि आलू सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और स्नैक्स में एक बढ़िया सा टेस्ट आए। तो ये सारे आलू मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है 3 से 4 चम्मच के करीब। इन्हें भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये हमारे हाथों पे बिल्कुल भी ना चिपके। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसे साइड में रखते हैं। अब एक बाउल में हमें मैदा लेना है तो 2 बड़ी कटोरी मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से काले तिल, 1 चम्मच के करीब मैंने काले तिल डाले हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। आप इसकी जगह घी का यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खस्ता बने। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी डालकर इसका एक डो तैयार करते हैं। डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, एक सॉफ्ट हमें डो तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से एक डो तैयार कर लेते हैं। तो डो हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल, एक बार देखते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, इसे साइड में रखते हैं। अब हमें ऑयल से हाथों को थोड़ा ग्रीस करना है ताकि आलू हमारे हाथों पर बिल्कुल भी ना चिपके। और थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी में हमें आलू लेना है। आलू की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा सा आलू लिया है, इसे इस तरीके से रोल करके मैंने थोड़ा बीच में स्प्रेड कर दिया है और इसे साइडों से इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ और एक रेक्टेंगल शेप मैं इसको दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं। सभी को इस तरीके से तैयार कर लेना है बिल्कुल, और बहुत आसानी से बनकर ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए ये सब तैयार हो गए हैं। चलिए इन्हें साइड में रखते हैं। अब हमारा मैदा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब चलिए हम स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो मैदे को भी अच्छे से मैंने रेक्टेंगल शेप में थोड़ा सेट कर लेती हूँ ताकि हमें इसके बिल्कुल इक्वल पोर्शन मिले, और चाकू से बिल्कुल इक्वल साइज़ में इनके काट लेती हूँ इस तरीके से। अब हमें मैदे की एक लोई लेनी है और उस पर थोड़ा सा मैं सूखा मैदा छिड़क रही हूँ। अब इसे हम थोड़ा बेल लेते हैं। इसे बहुत ही पतला हमें बेलना है, जितना पतला आप इसे बेल सकें ताकि हमारे जो स्नैक्स हों वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने। अब इसके बीचों बीच मैंने रख दी है आलू की स्टफिंग जो हमने रेक्टेंगल शेप में तैयार की थी ना, और कॉर्नर्स में मैं लगा रही हूँ पानी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इस तरीके से इसे दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करना है और जैसे हमने आलू को शेप दी है रेक्टेंगल वही शेप हमें इसे फिर से देनी है। तो इस तरीके से ऊपर से भी मैं इसको ऐसे पेस्ट कर रही हूँ और इस साइड से भी सेम ऐसे पेस्ट कर देना है। अभी चारों तरफ से इसकी स्टफिंग बंद हो चुकी है, कहीं से भी आलू नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमने ये स्नैक्स तैयार किया है। दूसरा भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। सेम पहले की तरह साइड्स में थोड़ा पानी लगा रही हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए। स्टफिंग बीच में रख दी है। अब इसे पहले की तरह इसी तरीके से पेस्ट कर देना है इसके ऊपर। ये देखिए ये सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी लास्ट जो स्नैक्स है इसे भी मैं तैयार कर रही हूँ। अब ये देखिए ये सारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम फ्लेम पे आपको गरम रखना है और गैस भी आपको मीडियम फ्लेम पर ही रखनी है ताकि ये धीरे धीरे करके अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर तक और हमारे स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने, क्रिस्पी बने। और मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें लास्ट तक आपको फ्राई करना है और इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आने पे इनको निकाल लेना है। अब इनमें बढ़िया सा ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। ये सारे स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। अब सारा इसका एक्सेस ऑयल मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए इनका कितना प्यारा इनमें कलर आया है। इसी तरीके से सेकेंड बैच को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे सारे स्नैक्स को मीडियम फ्लेम पे।
तो एक एक करके ये सारे स्नैक्स मैं इसमें डालती जा रही हूँ और पहले की तरह इन्हें फ्राई करना है। तो सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपके घर पे कोई भी आता है और अगर आप उन्हें ये स्नैक्स बना के सर्व करते हैं ना, तो डेफिनेटली उन्हें बिल्कुल पता नहीं लगने वाला है कि आपने इन्हें घर पर बनाया है या आपने इन्हें बाहर से मंगवाए हैं। तो दोस्तों, आप ये रेसिपी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, क्योंकि हमने जो इसका डो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार किया था, बहुत ही पतला हमने इसको बेला था और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई किया था, जिससे ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके की इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। मिलेंगे दोस्तों फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।